हेलो बच्चों, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन मीटर ब्रिज। न्यूमेरिकल्स को लगाने के पहले इधर इन आर यह जान लेना बहुत जरूरी है। इसको हम लोग क्लास 11 में पढ़ भी चुके हैं कि इधर निकाला कैसे जाता है। पढ़े हैं कि नहीं? अच्छा, तो ये जो R की वैल्यू या S की वैल्यू जो आई है वह एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि मीटर स्केल पर जब हमने देखा, ध्यान दीजिएगा, ऐसे है, पता चला कि वन है, ये टू है, ये 2.1 है, ये 2.1 है, ये तो बहुत पास पास होता है। बोलो भाई, पास पास होता है। अब हम जॉकी को ऐसे ही रख दिए, जॉकी को हम ऐसे रख दिए, पता नहीं पा रहे हैं कि ये कितना है, ये 1.2 है कि 1.3 है, ये 2.1 है कि 2.2 है। ऐसा हम लोग कोई भी मेजरमेंट लें, सब में इरर रहता ही रहता है। कोई भी मेजरमेंट लें उसमें इरर क्या रहता है? प्रेजेंट रहता है। तो अब बताओ, तो मैक्सिमम इरर हो कितना सकता है इसमें? मैक्सिमम इरर बता दो हमको, कितना हो सकता है मैक्सिमम इरर इन आर? देखो इन यस, सॉरी इन यस, देखो ये तो ज्ञात प्रतिरोध है ना, कैलकुलेटेड है, इसमें तो एरर नहीं होगा। एरर किसके कारण होगा? एल के कारण होगा ना। एल किसमें लिया गया है? सेंटीमीटर। नापा किस पर गया है? मीटर स्केल पर। कहाँ नापा गया है? मीटर स्केल पर। तो मीटर स्केल का लीस्ट काउंट कितना होता है? अल्पतमांक 1 mm। कितना अभी बताए हैं? 1 mm कम या ज्यादा हो सकता है, यानी 0.1 cm ना। तो मैक्सिमम इरर इन यस इक्वल टू व्हाट? लीस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल, मीटर स्केल बराबर 0.1 है। बोलो भाई, 0.1 है, ठीक। तो अगर ये सेंटीमीटर आया, ओके, अब 0.1 अगर लंबाई 0.1 है तो रेजिस्टेंस कितना होगा? बोलो भाई, रेजिस्टेंस कितना होगा? हम कैलकुलेट कर सकते हैं किससे? किससे? अब R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए से। बोलो भाई, तो रो पता है, ये भी पता होगा, क्या 0.1/a कर दें, मिल जाएगा, मिल जाएगा कि नहीं? तो कहने का मतलब यह है कि किसी इसमें किसी भी, चाहे वो मीटर स्केल हो, चाहे वॉच हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, उसमें मैक्सिमम इरर कितना हो सकता है? उसके अल्पतमांक के बराबर, उससे अधिक इरर हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो चलिए ठीक है, तो अब इसका लीस्ट काउंट 0.1 cm है, इसको तो हम लिख नहीं सकते 0.1 ओम, लिख देंगे, नहीं लिख सकते ना, आ? चलो अब कैलकुलेट करने के बाद ही पता चलेगा कि इसका कितना आ रहा है, इसका आर कितना है, वायर का आर कितना है, रो कितना है। आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अब ये तो आर तो ए पर भी तो डिपेंड करता है, रो पर डिपेंड करता है, एल पर डिपेंड करता है, तो रो तो मान लीजिए कोई वायर होगा तो उसका रो तो कांस्टेंट होगा, ये तो कम ज़्यादा हो सकता है। बोलो भाई, चलिए अगर हमको निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? बताया गया है आपको कि डेल यस अपॉन यस इक्वल टू डेल आर अपॉन आर प्लस डेल
हंड्रेड माइनस एल अपॉन हंड्रेड माइनस एल प्लस, अगर पावर ऊपर माइनस में भी जा रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता है, डेल एल अपॉन एल यही होता है ना। अच्छा डेल आर बराबर बटे आर ये कितना होगा, जीरो। जीरो क्यों होगा, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस हमको ऑलरेडी पता है, जो ऑलरेडी पता है इधर होने का कोई जरूरत ही नहीं है, कोई मतलब प्रश्न ही नहीं उठता। तो डल यस अपॉन यस बराबर क्या होगा, हंड्रेड ना, डल हंड्रेड माइनस एल अपॉन हंड्रेड माइनस एल, ये इंटू कर दिया यार यहाँ पर प्लस है, सॉरी प्लस डल एल अपॉन एल। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, एक ध्यान देने की बात है बेटा, जैसे मीटर स्केल है तो इसका लीस्ट काउंट कितना हुआ, 0.1 सेंटीमीटर, ध्यान दो। तो यहाँ क्या लिखेंगे 0.1, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ भी 0.1 ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे 0.1 ही लिखेंगे, समझ में आया कि नहीं। पता चला कह दिए कि 100 माइनस 0.1 पता लगा कि 99.99 आ रहा है, ऐसा मत करिएगा ठीक है। अगर यहाँ इसका लिस्ट काउंट 0.1 है तो यहाँ भी इस इतने की जगह क्या लिखेंगे 0.1। नोट इट प्लीज, कमांड क्वेश्चन। चलो बेटा ये सर्किट दिया हुआ है, ये 3 ओम है, कितना है ये 3 ओम, ये जॉकी है, जॉकी को 40 सेंटीमीटर, जहाँ 40 सेंटीमीटर निशान बना है वहाँ पर टच कराने पर इसमें डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, करा आर का मान बताइए, यानी एल बराबर कितना दे दिया ये 40, बोलो भाई ये कितना है 60, बोलो। हमने कहा था इतना अपॉन इतना बराबर इतना अपॉन इतना, तुरंत करो यार, 3 अपॉन आर बराबर 40 अपॉन 60, 40 अपॉन 60, क्लियर। अच्छा तो 3 अपॉन आर इज इक्वल टू 20 दूनी 40, 20 यहीं 60, आर इज इक्वल टू 9 अपॉन 2 दैट्स व्हाट 4.5 ओम, 4.5 ओम, ओके नोट इट प्लीज। हेलो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 जरा देखो, यह समायोजन देखो, यह समायोजन देखो, इसमें यह है 2 ओम, 6 ओम और 3 ओम, ये 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, यहाँ यहाँ देखो 4 ओम और 8 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है ठीक है। और जॉकी को जब 25 पर टच कराया, 25 सेंटीमीटर पर, तब इसमें डिफ्लेक्शन क्या था, 0 था, करा फाइंड आर, फाइंड 25 यहाँ लिखने का मतलब क्या, 25 पर इसमें डिफ्लेक्शन क्या है 0, ये कितना हुआ 25, ये कितना हुआ 75, क्लियर है। लेकिन इसका मान कितना हुआ, ये तीनों किस क्रम में है, 2 ओम 6 ओम एंड 3 ओम आर इन पैरेलल, ओके 1 अपॉन आर ई बराबर 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 3, एलसीएम कितना हुआ 6, 2 3 या 6 1 या 3 2 या बराबर 1 आ गया, आर ई बराबर 1, ओके अब उसका देख लो 4 ओम व आर किसमें है, पैरेलल में है, तो 1 अपॉन आर ई डैश, 1 अपॉन आर ई डैश बराबर लिखा लो 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन आर बराबर क्या हो जाएगा, आर प्लस 4 अपॉन आर 1, 4 आर 1 क्या 4 आर 1 4 आर सॉरी 4 आर, तो आर ई डैश बराबर क्या हो जाएगा भैया 4 आर अपॉन आर प्लस 4 यही ना। अब बना लो भैया, अब क्या बना लिए, यहाँ पर 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिए, इसकी जगह पर 1 ओम, फिर आए यहाँ 1 रेजिस्टेंस लगा दिए, इसका मान कितना है 4 आर अपॉन आर प्लस 4। चलो भैया लो, अब आपका जॉकी जो है
जो कि आपका यहाँ 25 पर टच कराने पर डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा है, ये क्या हुआ 25, ये क्या हुआ 75, तभी 100 पूरा हुआ हुआ भाई, पूरा 100 सेंटीमीटर है, अगर ये 25 है तो कितना होगा 75, ठीक है। आओ तुरंत तार से आओ तो 25 बटे या 1/ इतना बटे इतना 1/4r/r+ बोलो भाई 4 बराबर 25/75 बोलो, तो क्या हो जाएगा ये r+4/4r/1/3 बोलो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 4r/3r+12 बोलो, 75 करो r=12 ओ कितना आ गया, आया कि नहीं, नोट इट प्लीज। चलिए क्वेश्चन है, यहाँ यस रजिस्टर लगा हुआ है, हाँ सॉरी एक जगह यस है एक जगह आर है यार, एक जगह यस है एक जगह आर है, ई आर है, ठीक है। ये वैल्यू नोन नहीं है, नल पॉइंट इज ऑब्जर्व एट 40 सेंटीमीटर, ये नल पॉइंट हमको कहाँ मिला 40 सेंटीमीटर पर, मतलब इधर 40 इधर क्या हो गया 60, मतलब यस अपान आर इज इक्वल टू 40/60। अभी मैं जितना क्वेश्चन पढ़ा हूँ यहाँ तक पढ़ा हूँ यहाँ तक की बात मैं कर रहा हूँ, यानी यस अपान आर इज इक्वल टू 2/3 इक्वेशन नंबर 1। कह रहा आगे इफ ए 2 ओम रेजिस्टर इज एडेड इन पैरेलल टू यस, अगर यस में यस के समांतर क्रम में 1-2 ओम का रेजिस्टर क्या कर दिया जाए ऐड कर दिया जाए पैरेलल में, भैया कहाँ पैरेलल में, ये 2 ओम है। कह रहा है कि नल पॉइंट शिफ्टेड टू 25 सेंटीमीटर, अब ये जो 40-60 था अब ये क्या हो गया 25 और ये 75, बोलो भाई हो गया ना, जब इसमें 2 ओम का जोड़ दिया, अब बताओ इसका इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस कितना होगा, आर ई कितना होगा 2s/2, यही ना होगा, बोलो यार। तब अब यस तो नहीं रह गया, अब क्या हो गया आर ई, तब कहेंगे आर ई अपान आर इज इक्वल टू 25/70, देख रहे हो आर ई कितना है 2s/s+2 आर हो गया ना, इज इक्वल टू 1/3। एनी प्रॉब्लम, गलत तो नहीं कर रहा हूँ, अगर गलत हुआ तो पीछे जाओगे तुम ही लोग, बता दे रहा हूँ। चलो मल्टीप्लाई करो, यानी 2s/ ये भैया है ई एस बना रहा हूँ 2s+2r/1/3 हुआ, हाँ चलो 3×6s, एक काम करो यार भैया रे, ये कहाँ इक्वेशन बना रहे हैं हम, बेवकूफ़ी भरा काम कर रहे हैं, नहीं एकदम रुक जाओ मेरे नाथ, इसको मैं ऐसा कर रहा हूँ आर जरा देखो प्यार से, यस अपान आर, क्योंकि यस अपान आर की वैल्यू हमको मिली है, इनटू 2/s+2 1/3 बोल यार मजा आया, यस अपान क्यों मल्टीप्लाई करें, अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, तो यस अपान आर की वैल्यू कितना है 2/3 × 2/s+2 1/3 3 × 3 = 3 × 2 = 4/3
s plus 2 is equal to 1 upon 1. यानी s plus 2 बराबर क्या हो जाएगा? बोल बन जा, 4. s बराबर कितना होगा? 2. 2 ओम हुआ भैया, s बराबर 2 ओम. अब s upon r बराबर कितना था भैया? 2 बटा 3. तो अब s की वैल्यू रख दो, 2 बटे r बराबर 2 बटे 3. इसे कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो r बराबर 3 ओम. ये दिख रहा है मेरे मोबाइल में? यस सर, 3 ओम. ओके, नो रिप्लेस. ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है. किसका? जेई एडवांस. उस लायक तो है नहीं. केवल कह दिया फाइंड आर इफ स्केल यूज मेजर 1 mm. लिस्ट काउंट बता दिया ना, मतलब इधर के साथ आपको, इधर के साथ आपको क्या लिखना है? आर की वैल्यू. एक्चुअली इसमें चार ऑप्शन दिए, मैं ऑप्शन नहीं लिखा. चार ऑप्शन दिए गए हैं, मैं ऑप्शन नहीं लिखा, बस इतना अंतर है. तो इधर के साथ, तो पहले तो आर निकाली लो भाई. ये आर है, आर अपॉन 90. यहाँ देखो 40 सेंटीमीटर पर क्या है, डिफ्लेक्शन नहीं शो कर रहा. इधर 40 हो गया, इधर 60. 40 अपॉन 60 या आर अपॉन 90 इज इक्वल टू 2 upon 3. 3 × 3 = 30 में आर इज इक्वल टू व्हाट? 60 ओम. आर तो निकल गया, ये जानो पहले आर तो निकल गया. इधर कितना इसमें? तो डेल आर अपॉन आर बराबर क्या होगा? वही वही डेल एल अपॉन एल प्लस 100 माइनस प्लस डेल 100 माइनस एल अपॉन 100 माइनस एल. बोलो भाई. तो इसका लीस्ट काउंट कितना होता है? 0.1 अपॉन एल कितना है? 40 प्लस इसका भी लीस्ट काउंट कितना होगा बताए थे? 0.1 अपॉन 100 माइनस एल कितना हो गया? 60. यही ना? बोलो भाई. ये कुछ और होगा है? बोलो. कुछ गलती कर रहे हैं क्या? कुछ गलत नहीं है, केवल अविश्वास. इसको 1/400 कर सकता हूँ, इसको 1/600 कर सकता हूँ. बोलो एलसीएम कितना हुआ? 1200 थीजा प्लस 2000. यानी ये आर अपॉन सिक्स सॉरी डल आर अपॉन 60 इज इक्वल टू व्हाट? 5 upon. अरे आर कितना है यार? आर 60 निकाले हो ना. 5 upon 1200. बोलो भाई. डल आर जीरो से जीरो कट गया, 5 × 5 = 5 × 5 = 5 डल आर अपॉन 6 इज इक्वल टू 1/24. बोलो यार. 24 इंटू डल आर बराबर 6. डल आर बराबर 6 upon 24 1/4 0.25 ओम ना. तो करेक्ट रेजिस्टेंस कितना हुआ? एक्चुअल या रियल रेजिस्टेंस, रियल वैल्यू, रियल वैल्यू कितनी हुई? 60 प्लस माइनस 0.25 ओम आ गया. इसी में चार ऑप्शन दिए रहे होंगे, उसमें से यह ऑप्शन आपका सही रहा होगा, सही होगा. वो ऑप्शन मैंने नहीं लिखा. चलिए ये AIPMT का क्वेश्चन है, AIPMT 2014. AIPMT मेडिकल वालों, ये 2014 का क्वेश्चन है. ये
ठीक है। अब देखिए ये समायोजन दिया हुआ है, यहाँ D पर इसका क्या है, नल पॉइंट है, यह डिस्टेंस L1 है, यह 100 माइनस L1 है। ओके, कह रहा है इफ ए रजिस्टर ऑफ R ओम इज एडेड टू R, देन नल पॉइंट शिफ्टेड टू 1.6 L1, फाइंड द वैल्यू ऑफ R। पहले तो क्या लिखेंगे, 5 अपॉन R इक्वल टू L1 अपॉन 100 माइनस L1, इक्वेशन नंबर 2। और फिर इसमें क्या कह रहा है, फिर एक R ओम का रेजिस्टेंस लगा रहा है, तो R E कितना हो जाएगा, R बाई 2 बताए हैं आपको, R बाई 2 हो जाएगा। फिर कह रहा है 5 अपॉन R बाई 2 इज इक्वल टू 1.6 L1 अपॉन 100 माइनस 1.6 L1। सुन मैं, या इसको लिख सकते हो 25 का 10 10 अपॉन R, या सुनो एक सेकंड, 2 इंटू 5 अपॉन R बराबर 1.6 L1 अपॉन 100 माइनस 1.6 L1। ओके, तो हमको करना क्या है, ये इक्वेशन नंबर हो गया 2, क्या हो गया इक्वेशन, अब समय नहीं है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। अगर इसको सॉल्व करोगे आप तो क्या पाओगे आप, तो पहले तो हमको L1 की वैल्यू निकालनी होगी। सुनो पहले 5 अपॉन R की जगह पर ये रख देना, क्या 5 अपॉन R की जगह पर ये रख देना, यानी 2 इंटू L1 अपॉन 100 माइनस L1 इज इक्वल टू 1.6 L1 अपॉन 100 माइनस 1.6 L1, हो गया ना। अगर इसको सॉल्व करते हो L1 बराबर आता है 25 सेंटीमीटर, कितना आएगा, समझ आया, 5 अपॉन R की वैल्यू मैंने यहाँ डायरेक्ट रख दिया, ठीक। फिर L1 की वैल्यू पुट करो, पुटिंग वैल्यू ऑफ L1 इन इक्वेशन 1, क्या हो जाएगा, ये 5 अपॉन R इज इक्वल टू, ये 25 है ना, 25 अपॉन 75, या 5 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, R इज इक्वल टू व्हाट, 15 ओम, कितना आएगा 15 ओम, ठीक है। ये आंसर सही है, केवल आपको हमने ये कैलकुलेशन छोड़ दिया है, ठीक, कर लेंगे, पीरियड हैज बीन ओवर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।